पृथ्वीपुर विधानसभा 45 में उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। पार्टियां अपने अपने समर्थकों के साथ जन समर्थन जुटाने में लगी हुई है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने गए प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार की दोपहर कस्बा दिगोड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र से लेकर राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आप लोग कांग्रेस को वोट देकर भूल नहीं करना। चौहान ने कहा, बीजेपी का प्रत्याशी शिशुपाल यादव आपका अपना सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला सेवक है और आप लोगों की क्षेत्र की हर संभव सेवा करता रहेगा। टीकमगढ़ से मनोज खरे और सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ये बात साधारण नहीं, असाधारण है। भारत में बहुत नेता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन जनता के दिलों में राज जितना मान्य शिवराज सिंह चौहान जी ने किया शायद किसी नेता ने किया। मैं शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिए के लिए रात बहुत भारी रही, दिए के लिए रात बहुत भारी रही, रोशनी के लिए जंग जारी रही, किलों पे तो कब्जे उन्हीं के रहे पर दिलों पर हुकूमत हमारी रही। साथियों, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में चल रही थी, उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों के गाने आते थे, किसानों के गाने आते थे, मामा शिवराज जल्दी आ जाओ, ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ का गाना किसी ने नहीं गाया है। जब मान्य शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी देश की जनता, प्रदेश की जनता मान्य शिवराज जी को याद कर रही थी, ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। और मैंने देखा है कि पृथ्वीपुर विधानसभा में जहां भी आम सभा आयोजित हुई, बिना संसाधनों के भी लोग उनको तो रैली देना नहीं, उनके जो अखंड राज्य पृथ्वीपुर में एक बार मेरी बहन बनी थी नायक जी के मर्डर के बाद, नहीं अधिकांश टाइम कोई रहे, उनका काम जनता को सुविधाएं देना नहीं है मेरे बहन और भाइयों, उनका काम तो उधर कह रहे टैटू बनवाना, ये कह रहे मैं निकल अपनी जेब बता रहा, उनका काम तो ये गरीबों के प्राण ले लो, और ये नहीं होगा, जनता का राज चलेगा, जनता को अधिकार मिलेगा और विकास के भी काम होंगे। जब दिगोड़ा पिछली बार आया था तो तहसील बनाने का ऑर्डर साथ में लेके आया था, हम जो कहते हैं वो करते, और अभी भी विकास के जितने काम हमारे मंत्रियों को, हमारे साथियों को दिए गए, वो भी हम पूरा करेंगे और जनता की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, ये बदलाव का चुनाव है, बदल दो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की किस्मत, आपके हाथ में कमल के फूल पे बटन दबा दो। इस बार जो जनता के साथ हम उसके साथ, और दो ही साथ बनवाना मांग रहा है, क्या मांग रहा है तुमसे, दो साथ दे दो शिशुपाल यादव को और फिर काफी देखो, ये शिशुपाल दिन और रात मेहनत करेंगे, क्या शिशुपाल का सबको नहीं छोड़ोगे भैया, हरी पट्टी कर ले भाई, जरा नहीं छोड़ेंगे, और अकेले नहीं हो, मुख्यमंत्री साथ है, मंत्री साथ है, ये साथ है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, हम तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। आप केवल कमल के फूल के बटन दबा दो, बड़े कमल के फूल के बटन दबाओगे, मेरी कहना तुम भी दबाओगी, शिशुपाल को विधायक बनाओगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, मामा के साथ आओगे। आइए आज दिगोड़ा की महती सभा में हम सब संकल्प लें, हम सब भी कमल के फूल के बटन दबाएंगे और बाकी से भी कहेंगे कमल के फूल की बटन दबाए, शिशुपाल और भारतीय जनता पार्टी को जिता कर ही चैन की सांस लेंगे। तो संकल्प के लिए सब तैयार है, तो अपने अपने जगह खड़े होंगे, आज संकल्प लिया जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, शिशुपाल को अपना विधायक बनाएंगे और मामा के हाथ मजबूत करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।